सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम 10th साइंस धातु और अधातु से संबंधित पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन अभ्यास प्रश्नवाली में दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। तो अभ्यास प्रश्नवाली के जितने प्रश्न हैं हमारे पास उसको हम एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। बच्चों एक बात ध्यान रखना है कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि सक्रियता सारणी बना रखी है। उस सक्रियता सारणी में, सक्रियता सारणी मतलब श्रेणी होती है जिसमें पहले अधिक सक्रिय धातु को रखा जाता है, उसके बाद उससे कम सक्रिय धातु को हम रखते हैं, जमाते व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर जो दिए गए चार ऑप्शन है उसमें अलग अलग धातु दे रखी है। सबसे पहले कॉपर धातु दे रखी है, तो कॉपर धातु Cu, उसके बाद एल्यूमिनियम दे रखी है Al, उसके बाद हमारे पास में सिल्वर दे रखी है Ag, और उसके बाद में हमारे पास कॉपर दे रखी है, फिर Cu दे रखी है। तो ये धातुएं दे रखी है, इसके साथ में इधर इनके लवण दे रखे हैं NaCl, MgCl2, FeSO4 और AgNO3। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में कॉपर धातु NaCl के साथ क्रिया करके विस्थापन अभिक्रिया देगी कि नहीं देगी, ये अपने को बताना। तो बच्चों देखो, कॉपर धातु जो है Cu, वो Cu क्या है, Na से नीचे आ रही है। Cu जो है वो Na से नीचे आ रही है, इसलिए Cu Na को स्थापित नहीं करेगी, विस्थापन अभिक्रिया नहीं देगी। दूसरे में एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम धातु जो है वो MgCl2, एल्यूमिनियम के ऊपर Mg आ रहा, तो एल्यूमिनियम भी Mg को स्थापित नहीं करेगा। विस्थापन अभिक्रिया हमेशा ऊपर वाली धातु नीचे वाली को स्थापित करती, नीचे वाली ऊपर वाली को स्थापित नहीं करेगी, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फिर सिल्वर Ag सबसे नीचे आ रहा और उसके ऊपर क्या आ रहा, Fe, तो Ag भी Fe को विस्थापित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि Ag से ऊपर आ रहा Fe, यानी नीचे वाली धातु ऊपर वाली को स्थापित नहीं कर पाती है। और आखिरी वाला क्वेश्चन में देखो, AgNO3 और Cu आ रहा, तो Cu ऊपर है और Ag नीचे है, तो Cu धातु ऊपर आ रही है और Ag क्या आ रही, नीचे आ रही, इसलिए ऊपर वाली धातु जो होती है नीचे वाली धातु को क्या करती है, विस्थापित कर देती है। यानी इस रासायनिक क्रिया में विस्थापन अभिक्रिया केवल AgNO3 विलयन और कॉपर धातु ही प्रदर्शित करेगी। क्यों? क्योंकि Cu ऊपर है और Ag नीचे, बाकी सब धातुएं जो होती है नीचे वाली धातु जो होती है ऊपर वाली धातु दे रखा ऑप्शन, तो वो रासायनिक क्रिया को प्रदर्शित, विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करेगी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास में आ रहा कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए हम ग्रीस क्या उपयोग में से कौन सा विधि का उपयोग हम करेंगे। जो लोहे के जो फ्राइंग पैन होते हैं जिसको हम तवा के रूप में उपयोग करते हैं या रोटी सेकने के लिए या अन्य कार्य के लिए इसको उपयोग किया जाता है, उसमें हम किस चीज़ का हम उपयोग करेंगे उसको जंग से बचाने के लिए। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर या उपरोक्त सभी। देखो, जंग से बचाने के लिए तो हम सभी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्राइंग पैन के बारे में बात करें तो फ्राइंग पैन में क्या होता है कि उसको अपने को गर्म करना पड़ता है। फ्राइंग पैन में क्या होता है कि तलने का जो तवा होता है उसको क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। और यदि गर्म वाली वस्तु पर यदि अपने ग्रीस लगा दिया या पेंट लगा दिया तो क्या होते है, जल जाते हैं। क्या होता है कि यदि अपने ग्रीस या पेंट की पॉलिश कर दी उस फ्राइंग पैन के ऊपर तो क्या होते है, वो जल जाते हैं। और लोहा जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, अपने को पता है वो जिंक जो होता है लोहे से अधिक क्रियाशील होता है, तो और वो उच्च ताप को भी सहन कर सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो जिंक की जो परत होती वो लोहे के ऊपर हम चढ़ाते हैं, ग्रीस और पेंट की पॉलिश या परत नहीं चढ़ाते, क्योंकि ये गर्म यदि हो जाते तो क्या हो जाते, ये जल जाएंगे। तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी वाला, जिंक की परत चढ़ाते। क्यों? क्योंकि जिंक लोहे से अधिक क्रियाशील होने के साथ साथ वो उच्च ताप को भी सहन करने की उसमें क्षमता होती है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि जो भी उच्च गलनांक वाले यौगिक होते हैं उसकी प्रकृति आयनिक होती है, मतलब वो आयन प्रदान करते हैं और वो जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं।
तो उच्च गलनांक वाले जितने भी तत्व होते हैं वो जल में विलय होते हैं और आयनिक होते हैं, आयन प्रदान करते हैं। और आवर्त सारणी में जो पहला समूह और दूसरा समूह से संबंधित तत्व होते हैं वो सभी जो होते हैं उच्च गलनांक वाले होते हैं और जल में विलय वाले तत्व होते हैं। तो श्रेणी जो आवर्त सारणी में पहला तत्व जो कैल्शियम होता है, वो कैल्शियम जो होता है वो क्या होता है, आवर्त सारणी में जो पहला और दूसरे समूह में जो तत्व होते हैं वो सभी जल में विलय होते हैं और उनके गलनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो कैल्शियम जो होता है वो जल में घुल भी जाता है, विलय भी हो जाता है और उसका गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। तो सही ऑप्शन हमारे पास में क्या आ जाएगा, कैल्शियम। बाकी लोहा, निकल, कार्बन ये जल में विलय नहीं होते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे पास में है, खाद्य पदार्थ बैप डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों किया जाता है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उस पर हम क्या करते हैं, जो डिब्बे होते हैं उसमें जिंक के बजाय टीन का लेप कर देते हैं उसमें। तो उसका जो कारण होता है कि जो जिंक जो होता है टीन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। जो जिंक धातु होती है वो टीन की अपेक्षा क्या होती है, अधिक क्रियाशील धातु होती है, जिससे जिंक क्या होता है खाने के डिब्बों के साथ क्या कर सकती है, रासायनिक क्रिया कर सकती है और डिब्बे में जो खाना होता है वो खराब कर सकती है। इसलिए क्या करते हैं कि जिंक के बजाय हम टीन का उस पर लेप किया जाता है। टीन क्या होती है, कम क्रियाशील धातु होती है और जिंक जो होती है वो अधिक क्रियाशील धातु होती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण से हम क्या करते हैं, टीन जो डब्बे होते हैं उसमें क्या करते हैं, हम टीन की पॉलिश या लेप करते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास में, आपको एक हथौड़ा दिया गया, एक बैटरी दी है और बल्ब दिया है, तार दिया और स्विच दिया गया है। अब इसका उपयोग करके अपने को बताना है कि धातु और धातु नमूने के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं, और दूसरा इनको धातु एवं अधातु के विभेदन के लिए परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। तो बच्चों हथौड़ा, जहाँ तक हथौड़ी की बात है तो अपन जानते हैं कि जो धातु होती है उसको यदि हथौड़े से पीटेंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी पतली पतली चादरें हम बना सकते हैं। साथ में उनमें धातु में क्या होती है, यदि अपन उसको ठोकते हैं तो आवाज़ भी आती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। और जो अधातुएं होती है उसमें जो होता है पतली चादर अपन बना नहीं सकते हैं, यानी उसको ठोक कर या पीट कर यदि अपन पीटेंगे या ठोकेंगे तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये टुकड़े टुकड़े होने का जो गुण होता है उसको भंगुर कहा गया, भंगुर। भंगुर का मतलब यदि किसी पदार्थ को अपने ठोका तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो वो भंगुर कहलाती है। तो हथौड़े से पीट के अपन पता लगा लेंगे कि यदि उसकी चादर अपन बना सकते हैं पतली चादर तो वो धातु होगी, और यदि चादर नहीं बन रही है, वो यदि टूट जाती है और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो वो अधातु कहलाएगी। अब एक हमारे पास दूसरा प्रयोग भी दिया, एक बैटरी दी, बल्ब दिए, तार दिया और स्विच दिया। तो यदि अपन मान लो बैटरी दी, स्विच दिया, बल्ब दिया और तार को यदि अपन आपस में जोड़ के कनेक्शन करते हैं, तो यदि धातु होगी और इसमें बीच में अपन धातु जोड़ देते हैं तो यदि धातु होगी तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी और वो बल्ब जलने लगेगा। और यदि अधातु को बीच में यदि जोड़ दिया इनके बीच में तो अधातु में क्या होती है, धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत की कुचालक होती है और बल्ब नहीं जलेगा। यानी यदि बल्ब जलता है तो समझ जाना धातु है, और यदि बल्ब नहीं जलता है तो समझना कि वो अधातु है। धातु एवं अधातु के विभेदन के लिए परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। धातु और अधातु में परीक्षण अपन कर सकते हैं कि धातु कौन सी होती है और अधातु कौन सी होती है। तो पहला गुण अपन ने पढ़ा आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता में क्या होता है कि धातुओं के हम क्या कर सकते हैं, पीट कर चादरें बना सकते हैं। और उसके तन्यता का गुण हमने पढ़ा है कि यदि उसको हम तार खींचते हैं, लंबे लंबे तार खींचते हैं तो ये गुण तन्यता का कहलाता है। धातुएं जो होती है विद्युत की सुचालक होती है, और इसके विपरीत गुण इसके पाए जाते हैं अधातुओं के। अधातुओं के जो होते हैं आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है और तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता है, और धातुएं जो होती है वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। तो ये अपन पता लगा सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, और उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दीजिए। उभय का मतलब दोनों, उभयधर्मी वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं। तो जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करेंगे, उभय का मतलब दोनों के साथ क्रिया करते हैं, उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और ये क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं।
तो ऐसे ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, यानी ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करेंगे और लवण और जल बनाएंगे, और ऐसे ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण हमारे पास Al2O3 है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, और जिंक ऑक्साइड ZnO। यहाँ पर एक क्रिया बता रखी है एल्युमिनियम ऑक्साइड की अम्ल के साथ, Al2O3 की HCl के साथ क्रिया, तो AlCl3 बनता है और H2O बनता है, पानी बनता है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम की अम्ल के साथ क्रिया भी करा रखी है और एल्युमिनियम ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ भी क्रिया करा रखी है, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ भी, अम्ल मतलब HCl, क्षार मतलब NaOH, दोनों के साथ क्रिया करा रखी है। और अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो AlCl3 बनता, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता और पानी बनता, और यदि क्षार के साथ क्रिया होती तो सोडियम एल्युमिनेट बनता है और पानी बनता है। तो ये दोनों की रासायनिक क्रिया होती है, किसके साथ, अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ भी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को स्थापित कर देती है तथा धातुओं जो ऐसा नहीं कर पाती है। देखो चो, हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं आती है वो सब हाइड्रोजन को स्थापित कर देगी। विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ रखी है, उसमें एक सक्रियता श्रेणी बता रखी है कि हाइड्रोजन के जो ऊपर जो धातु आती है जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये हाइड्रोजन के ऊपर आने वाली धातु, मतलब इनकी सक्रियता हाइड्रोजन से अधिक होती है। तो जब ये हाइड्रोजन अम्ल के साथ या तनु अम्ल से यदि क्रिया करती है तो क्या करती है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। और जो हाइड्रोजन की जो नीचे आने वाली धातु होगी, जैसे मान लो कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा कापर और सिल्वर, ये दो धातु जो होती है ये क्या करती है, हाइड्रोजन को स्थापित नहीं करती है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे आती सक्रियता श्रेणी में, इसलिए सक्रियता श्रेणी में जो नीचे धातु आएगी वो ऊपर वाली को स्थापित नहीं कर पाएगी, और जो ऊपर वाली धातु होती है वो अपने नीचे आने वाली धातु को क्या करती है, विस्थापित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी धातु एम के विद्युत अपघटन परीक्षण में आप एनोड कैथोड एम विद्युत अपघटन कैसे बनाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी विद्युत अपघटन के परीक्षण के लिए किया जाता है तो जो अशुद्ध धातु होती है जो मोटी पट्टी की होती है वो एनोड की तरह कार्य करती है, और पतली पट्टी जो होती है वो शुद्ध धातु की होती है, वो कैथोड की तरह कार्य करती है, और जो विद्युत अपघट्य होता है वो अम्लीकृत लवण का विलयन लिया जाता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो अशुद्ध धातु जो हम लेते हैं वो एनोड की मोटी पट्टी होती है, और जो शुद्ध धातु लेते हैं उसमें वो पतली पट्टी होती है, वो कैथोड होती है, और साथ में जो विद्युत अपघट्य लिया जाता है वो अम्ली विलयन या लवण का विलयन होता है। तो इसमें जो मोटी पत्ती लेते हम वो क्या होती है कि जब अपन विद्युत अपघट्य में उसको हम डुबोते हैं और धारा प्रवाहित करते हैं तो जो मोटी पट्टी की जो अशुद्धि होती है वो घुलने लगती है, और एनोड के नीचे क्या होती है, वो एकत्रित हो जाती है, जो अशुद्धियाँ होती है वो एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती है, तो अशुद्धियाँ अलग हो जाती है मोटी पट्टी की। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को दे रखा है कि प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया, चित्र के अनुसार एक परखनली में उल्टा कर देते उसमें गैस को एकत्रित किया गया है। तो हमारे पास चित्र बुक में दे रखा है, उस चित्र को समझते हुए अपने को ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके आंसर देना है। गैस की क्रिया क्या होगी, पहले सूखे लिटमस पत्र के साथ। देखो बच्चों, कोई भी यदि गैस यदि है स्पैचुला में इसको गर्म करेंगे अपन, तो वो जो गैस होती है वो सूखे लिटमस के साथ कोई क्रिया नहीं करती है, क्योंकि जो गैस बनती है, सल्फर को अपन गर्म करते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि गर्म करा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, SO2 गैस बनती है, ध्यान रखना। सल्फर को जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो SO2 गैस बनेगी, जिसकी जो प्रकृति होती है वो अम्ली होती है, SO2 अम्ली प्रकृति की होती है, और अम्ल हो या क्षार दोनों यदि सूखे लिटमस के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं। ये क्रिया कब करते हैं, जब नमी या आर्द्र होती है तभी। अब यदि मान लो आर्द्र लिटमस ले लिया, पेपर ले लिया, तो उस स्थिति में क्या होगा, SO2 की प्रकृति कैसी होती है, अम्ली, तो ये क्या करेगा, नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देता है,
क्योंकि अम्ल की प्रकृति होती है कि वो लिटमस को क्या कर देता है, पेपर को लाल कर देता है। क्यों? क्योंकि SO2 की प्रकृति अम्ली होती है, अम्ल हमेशा क्या कर देता है, पेपर को लाल कर देता है। अब इसमें तीसरे में बताया गया ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, तो अपने को सल्फर को हम गर्म कर रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगी, सल्फर प्लस O2, तो ये बन जाएगी SO2। यहाँ SO2 है, ऑक्सीजन के साथ दो अणु हैं, S+O2=SO2। इसी प्रकार से SO2 जो होती है आद्र है, पानी के साथ यदि क्रिया करती है तो H2SO3 बना लेती है, सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। तो ये इसकी रासायनिक क्रिया हो जाएगी। S सल्फर है, O2 ऑक्सीजन है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है और H2SO3 क्या है, सल्फ्यूरस अम्ल होता है। तो इनके फार्मूले में अपने को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। बच्चों, लोहे से जंग से बचाने के लिए सामान्यतः अपन तेल या ग्रीस की सतह का अपन उपयोग करते हैं, क्योंकि तेल या ग्रीस की सतह से यदि अपन किसी लोहे के ऊपर लगा देते हैं तो उसमें जंग आसानी से नहीं लगती है। दूसरा, यशद लेपन भी करते हैं, मतलब एक धातु की परत क्या करते हैं, दूसरी धातु के ऊपर भी चढ़ा देते हैं, इसको अपन यशद लेपन कहते हैं, है ना। और तीसरा, अपने पास पेंटिंग करके, है ना, पेंट से हम या वार्निश करके भी क्या करते हैं, हम लोहे के ऊपर हम पेंटिंग कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि लोहे की जो सतह होती है वो सीधे वायु के संपर्क में या आर्द्र वायु के संपर्क में नहीं आ पाती है और कोई रासायनिक क्रिया नहीं कर पाती है, जिससे लोहे में जंग नहीं लग पाती है। 11वां क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसे ऑक्साइड बनाती है। तो जब भी ऑक्सीजन के साथ यदि मान लो कोई भी अधातु है तो वो हमेशा क्या बनाती है, अम्ली ऑक्साइड बनाती है। जितनी भी अधातुएं होती है वो सभी ऑक्सीजन के साथ यदि क्रिया करती है तो वो अम्ली ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे उदाहरण हमने लिया S+O2, तो SO2 बनता है, तो SO2 की प्रकृति होती है वो अम्ली प्रकृति होती है। तो जब भी कोई ऑक्सीजन है और अधातु के साथ क्रिया करती है तो वो अम्ली ऑक्साइड बनाएगी, और अम्ली ऑक्साइड एक उदाहरण हमने दिया S+O2 SO2, जिसको हम सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, और इसकी प्रकृति अम्ली होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कारण बताइए। इसमें 4 क्वेश्चन दे रखा है कि प्लेटिनम जो होता है सोना चांदी में उपयोग करने आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। जो प्लेटिनम धातु जो होती है या सोना होता है या चांदी होती है, इनका उपयोग हम क्या करते हैं, आभूषण बनाने में करते हैं। बच्चों, आभूषण बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, जो चमकीली होती है और साथ में जिसमें जंग नहीं लगती, संसारित नहीं होती, संसारित का मतलब जंग नहीं लगती है, जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो एक तो चमकदार होती है, साथ में इसमें जंग भी नहीं लगती है, और साथ में ये भी होता है कि यदि इसको अपन पीटते हैं या हथौड़े से पीटते हैं या किसी साधन से पीटते हैं तो इसके अपन आवश्यकता अनुसार आभूषण का रूप हम दे सकते हैं, उसकी आकृति हम बना सकते हैं। यानी इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है और तन्यता का भी गुण इनमें सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए क्या करते हैं हम, प्लेटिनम सोना और चांदी जो धातु होती है इनका उपयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं। तो आभूषण बनाने में क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो चमकदार होती है, दूसरी संसारित नहीं होती, मतलब जंग नहीं लगती इसमें। क्यों नहीं लगती जंग, क्योंकि क्रियाशीलता इनकी बहुत कम होती है, इसलिए इसमें जंग भी नहीं लगती है। और साथ में जो होता है ये तन्य भी होती है, मतलब इसके तार भी बना सकते हैं हम, और साथ में आघात वर्धनीता भी होती है, मतलब इसको पीट पीट के हम पतले भी चादर भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। तो सोडियम पोटेशियम और लिथियम ये जो धातुएँ होती है ये बहुत क्रियाशील धातु होती है, और जब इसको हम खुली हवा में रखते हैं तो क्या होता है कि ये वायु के साथ क्रिया करने लगती है और जलने लगती है, और यदि इनको मिट्टी के तेल में रखते हैं तो ये जो धातुएं होती है वो मिट्टी के तेल के साथ कोई क्रिया भी नहीं करती है, साथ में जो होती है उसमें घुलती भी नहीं है, और मिट्टी के तेल में रखने से ये वायु के संपर्क में भी नहीं आती है, इसलिए इन को क्या करते हैं हम, धातुओं को मिट्टी के तेल में संग्रहित करके रखा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि
एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने या बर्तन बनाने के लिए क्यों किया जाता है? बच्चों, हमने पढ़ा है कि एल्यूमिनियम जो होता है उसका उपयोग हम ज़्यादातर घर में खाना बनाने के लिए करते हैं, और इसका उपयोग का कारण वही है जो अपने पहले किया है कि पहली तो इसमें संसारित नहीं होती है, मतलब जंग नहीं लगती है, और दूसरा जो होता है एल्यूमिनियम जो होता है सस्ता होता है, साथ में ऊष्मा का भी अच्छा सुचालक होता है। इसलिए क्या करते हैं हम एल्यूमिनियम के बर्तन को क्या करते हैं खाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके कारण वही है कि एक तो संसारित नहीं होता है, मतलब जंग नहीं लगती एल्यूमिनियम में, सस्ता होता है, और ऊष्मा का अच्छा चालक माना जाता है, जिसको हम सुचालक कह सकते हैं। इसलिए हम एल्यूमिनियम के बर्तन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, धातुओं को उनके ऑक्साइडों से पृथक करना ज़्यादा आसान प्रक्रिया है, अतः निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड आयनों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जा सकता है। देखो, धातुओं को जो है सीधे हम प्राप्त नहीं कर सकते, यदि धातु है तो उनके आयनों से हम सीधे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ होती है। तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, धातुओं से पहले उसको कार्बोनेट जो सल्फाइड आयनों होते हैं उनको पहले ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो जितनी भी धातुओं से हम ऑक्साइड पहले प्राप्त करते हैं, और उस ऑक्साइड के प्राप्त होने के बाद उस ऑक्साइड का अपन अपचयन करते हैं, और उस अपचयन के द्वारा हम धातु को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि धातुओं को हम कार्बोनेट अयस्क से या कह सकते हैं सल्फाइड अयस्क से ज़्यादा सीधे प्राप्त नहीं कर सकते, उनको पहले हम ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित करना पड़ता है, और ऑक्साइड अयस्क बनने के बाद उसमें अपचयन की क्रिया करवाते तो ऑक्सीजन अलग हो जाती है और अपने को धातु आसानी से प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि आपने तांबे के बर्तन जो है मलिन बर्तन को नींबू या इमली से रस के साफ करके देखा होगा अपने घरों में, तो वो जल्दी साफ हो जाते हैं, उसका क्या प्रभाव, इसका क्या कारण है अपने को बताना। मतलब जैसे साबुनों में हम पढ़ते हैं विम बार है या जो भी साबुन होते हैं उसमें नींबू रहता है, मतलब अम्ल रहता है, तो नींबू जो पदार्थ होता है उसमें अम्ल होता है। ध्यान रखना, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें अम्ल पाया जाता है, और जो अम्ल होता है वो तांबे के अशुद्ध पदार्थों को साफ करने के लिए बहुत प्रभावी होता है, और इससे क्या होता है कि जो अम्ल होता है उसके जो ऊपर जो जमी हुई परत होती है उस परत को वो अच्छी तरह से साफ कर देता है। यह एक रासायनिक क्रिया बता रखी कि Cu पानी है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस ऑक्सीजन है, ये सब कॉपर के साथ जब तांबे का बर्तन होता है तो उसमें पानी भी लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है उस वायुमंडल में रहती है, और ऑक्सीजन भी रहती है, तो ये सब मिलके क्या बनाता है Cu HCO3 CuOH होल ट्वाइस बनाता है, जो कि बहुत क्या होती है कह सकते हैं मलिन परत होती है, मतलब ख़राब कर देती है बर्तनों को, यानी हरापन हो जाता है बर्तनों में देखा होगा। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नींबू से यदि अपन इसकी क्या करते हैं सफाई करते हैं साफ करते हैं, तो ये जो परत जमी होती है CuCO3 CuOH2 की, ये परत जो होती है वो हट जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातु में विभेद कीजिए, मतलब दोनों में अंतर अपने को बताना, धातु और अधातु में क्या क्या अंतर होते हैं। तो पहला गुण ये होता है कि धातु के क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, धातु जितनी भी होती है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगी, और अधातु जो होती है या तो उदासीन बनाती है या फिर वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ध्यान रखना, धातु सब क्षारीय ऑक्साइड बनाएगी, और जो होती है अधातु अम्लीय और क्षारीय दोनों बनाती उदासीन बनाती है। धातु जो होती है अपचायक होती है, और अधातु जो होती है उपचायक होती है। ध्यान रखना, अपचायक और उपचायक। अगला हमारे पास, धातु जल से हाइड्रोजन को स्थापित कर देती है, और अधातु जो होती है वो जल से हाइड्रोजन को स्थापित नहीं कर पाती है। तो इस तरह से ये दोनों में अंतर अपने को मालूम होना चाहिए कि क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है, कौन सा ऑक्साइड, धातु जितनी भी होती है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगी, और अधातु होगी अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है, उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया, कोई संदेह किए बिना एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष
विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है कि एक महिला, एक व्यक्ति जो सोनार होता है उसको अपने आभूषण देती थी चमकाने के, उसमें तो होता क्या है कि उसके पास एक सॉल्यूशन देता है, विलयन देता है, और उस विलयन का नाम होता है एक्वारेजिया, अम्लराज जिसको कहा जाता है। ये क्या करता है कि इस विलयन में जैसे हम सोना डालेंगे या जो भी आभूषण डाले जाते हैं सोने के कंगन, वो उस विलयन में गल जाते हैं। गलने के कारण से उनका जो वजन होता है वो कम हो जाता है और ये जो एक्वारेजिया जो विलयन होता है वो बनाया जाता है सांद्र HCl, कंसनट्रेशन HCl होता है, और HNO3 का सॉल्यूशन होता है, मिश्रण होता है दोनों का। इसमें तीन अनुपात एक में, मतलब तीन भाग HCl के और एक भाग HNO3 का लिया जाता है। ये दोनों ही सांद्र अम्ल होते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र और HNO3 जो होता है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आखिरी क्वेश्चन है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। बच्चों जो कॉपर होता है, हमने पढ़ा है कि विद्युत का और उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। इससे अच्छा चांदी होता है परंतु वो महंगा होता है, तो कॉपर भी जो होता है उष्मा का क्या होता है, अच्छा सुचालक होता है और यह गर्म जल के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। इसके विपरीत यदि आयरन लिया जाता है तो आयरन क्या होता है, गर्म जल के साथ क्रिया करता है और उसमें जंग लग जाती है, इसलिए हम आयरन या लोहे की मिश्र धातु का उपयोग नहीं करते हैं। तो टैंक बनाने के लिए अपन कॉपर का उपयोग किया जाता है क्योंकि वो अच्छा सुचालक होता है, साथ में वो जल के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। इसके विपरीत लोहा जो होता है वो जंग के साथ क्रिया जल के साथ क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, जंग लग जाती है, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।